So hey guys, we are back with another tutorial and today I'll show you 3 cool tips that you can do in Snapseed. तो सबसे पहले फ़ोटो खोलेंगे एंड टूल्स पे जाके हम पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। अब इस फोटो में एक छोटी सी मिस्टेक है, जो हमारी लीडिंग लाइन है येलो कलर की, वो थोड़ी सी राइट की तरफ है, बट वो सेंटर में होनी चाहिए, है ना। तो पर्सपेक्टिव में जो फ्री वाला ऑप्शन है हम उसको सेलेक्ट करेंगे एंड फोटो के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, जिससे लीडिंग लाइन सेंटर में आ जाए। अब ये होने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे एंड बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। अब ये बहुत ही सटल सा चेंज है, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब उसी टूल का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो आई वांट कि ये फ़ोटो ऐसे लगे कि मैंने थोड़ा और लो एंगल से क्लिक की है। तो हम टूल्स पे जाके पर्सपेक्टिव पे जाएंगे एंड टिल्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फ़ोटो को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। अब आप जैसे भी चाहे फ़ोटो को स्ट्रेच कर सकते हैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा ना करें, वरना फ़ोटो थोड़ी डिस्टॉर्टेड लगेगी। एडिट होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है एंड बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। अब मेरी सेकंड और थर्ड टिप दोनों पोर्ट्रेट्स के लिए हैं, तो ध्यान से देखना। टूल्स पे जाके हमें हेड पोज पे जाना है। हेड पोज में जाने के बाद ये अपने आप आपकी फ़ोटो में जो फेस है उसको डिटेक्ट कर लेगा एंड आप अपने फेस का एंगल थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब हमें हेड पोज के अंदर ही सेटिंग्स पे जाना है और आप प्यूपिल साइज सेलेक्ट करके अपनी आईज का साइज चेंज कर सकते हैं। एक पोर्ट्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आईज ही होती है, चाहे वो स्ट्रीट पोर्ट्रेट हो या फैशन पोर्ट्रेट, और बड़ी आँखें अपने आप ही पोर्ट्रेट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना देती हैं। अब सेटिंग्स में सेकंड ऑप्शन है स्माइल। अब इसमें आप अपनी स्माइल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोटोशॉप में ये फीचर लिक्विफाई टूल का होता है, बट मोबाइल ऐप में मैंने ऐसा कोई फीचर नहीं देखा, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ फोकल लेंथ। अब मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि डिफरेंट फोकल लेंथ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब आप इस सेटिंग को चेंज करके देख सकते हैं कि डिफरेंट फोकल लेंथ पे कैसे फोटोज़ आती है। अनफॉर्चुनेटली दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर पोर्ट्रेट्स। अगर बाकी सारे फोटोग्राफ्स के लिए भी अवेलेबल होता तो काफ़ी बेटर रहता। अब जैसे जैसे मैं फोकल लेंथ की वैल्यू को कम कर रहा हूँ, तो फोटो में कंप्रेशन आ रहा है, विच सिग्निफाइज कि हमारी फोकल लेंथ बढ़ रही है। और जैसे ही मैं फोकल लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हमारे फेस का जो फ्रंट वाला पार्ट है, लाइक नोज एंड लिप्स, वो थोड़ा पॉप कर रहा है, विच सिग्निफाइज कि फोकल लेंथ हमारी कम हो रही है। अब हम जो थर्ड टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पोर्ट्रेट, एंड एज इट्स नेम सजेस्ट ये सिर्फ पोर्ट्रेट्स के लिए ही है। और हेड पोज टूल की तरह ही ये भी हमारे फ़ोटो में जो फेस है उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। फेस डिटेक्ट होने के बाद हमें सेटिंग्स में जाना है और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है फेस स्पॉटलाइट का। अब आप इस ऑप्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके फेस पे थोड़ी लाइट इंक्रीज़ कर देता है ये ऑप्शन तब काम आता है जब आपने पूरी एडिट कर ली हो, बट आपको अपने सब्जेक्ट के फेस पे थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज स्किन स्मूथनिंग, और नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस लिए यूज़ होता है। आप इस ऑप्शन को अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स में और फैशन फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स में आप इसको ना ही यूज़ करें, बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी में टेक्सचर की एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ आई क्लैरिटी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पोर्ट्रेट्स में आइज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आई क्लैरिटी क्या करता है, आपकी आइज़ में जो भी डिटेल्स होती है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर देता है, विच मेक्स इट लुक वे बेटर। तो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है एंड आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। इफ़ यू फाउंड एनी ऑफ दिस टिप हेल्पफुल, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।